हेलो, टू फाइंड द स्क्वायर वह वर्ग निर्णय करी वर्ग निर्णय करें। बच्चों, वर्ग निर्णय करें बोलने से ही हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब पी एक्स। बच्चों, ए के जगह में जो भी होगा, जितना बड़ा भी होगा, सब लेना पड़ेगा। पी एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए, ए का जगह में फिर हम लोग को पी एक्स लिखना पड़ेगा, और बी का जगह में 1/2 प्लस बी का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। बच्चों, स्क्वायर मीन्स चॉकलेट, ब्रैकेट खोलेंगे और दोनों को मिलेगा पी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे देखो बच्चे, एक ऊपर टू एक नीचे टू, कट गया लोएस्ट टर्म। अब सिर्फ बचा पी एक्स प्लस, ये जो स्क्वायर मीन्स चॉकलेट है, दोनों को मिलेगा, वन को मिला और टू को भी मिला, पी का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर ओके, पी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस। बच्चों, वन का स्क्वायर मीन्स वन इंटू वन, वन का स्क्वायर का मतलब वन इंटू वन, वन वन जर वन, तो यहाँ पे हो गया वन। टू का स्क्वायर मीन्स टू टू जर फोर आंसर। बच्चों, ये वाला ध्यान से देखिए, हम लोग हर बार हम लोग कोई भी दो नंबर के साथ करते थे, कोई भी दो बीच के साथ करते थे, लेकिन देखिए अब यहाँ पे हम लोग का 1 2 3 है। माइनस का रूल है, तो हम लोग माइनस का इस साइड में जो है उसको बी पकड़ लेंगे और माइनस का ये साइड में जो है उसको ए पकड़ लेंगे। ओके, अब हम लोग फिर डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए मीन्स पी प्लस क्यू, ए बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक है, माइनस टू ए, ए का जगह में पी प्लस क्यू, पॉइंट बी का जगह में आर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पी प्लस ए प्लस ए का स्क्वायर होता है पी प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, हम लोग का राइट है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे हम लोग इसका तो फॉर्मूला डाल दिए, लेकिन सोचो कि ये हम लोग का नहीं है और ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जब एक क्वेश्चन होता है तो हम लोग का फिर ये प्लस होता है, प्लस का लेफ्ट साइड में ये ए बन जाएगा और ये राइट साइड में बी बन जाएगा, लेकिन फॉर्मूला किसका पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, सोचो दो क्वेश्चन को हम लोग को एक साथ दिया है, ठीक है। अब माइनस, बच्चों ये वाला जो है पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, टू आर, टू आर पी प्लस क्यू जैसा का वैसे ही है प्लस आर का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस। बच्चों, ये टू आर है और ये ब्रैकेट का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो टू आर जाके पी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और टू आर क्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा टू आर पी माइनस प्लस माइनस होता है टू आर क्यू, टू आर क्यू प्लस आर का स्क्वायर आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।